अजीब सी बीमारी से पीड़ित पॉल डिनेक एक ऐसा व्यक्ति जिसने पूरा एक साल कोमा की अवस्था में बिताया, लेकिन जब वह एक साल बाद कोमा से उठा तो उसने दावा किया कि वह समय यात्रा करके आया है। पॉल का कहना था कि वह अपने कोमा की अवधि में पूरे एक साल भविष्य के किसी इंसान की जिंदगी जीकर आया है, जो कि सन 3906 का समय था। पॉल के इस दावे को सुनकर उस समय सभी को लगा कि यह पॉल का कोई भ्रम है, पर सच तो यह कि इस घटना ने पॉल की जिंदगी को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। कहानी की शुरुआत 20वीं सदी के प्रारंभ से होती है। मध्य यूरोप में रहने वाला पॉल डिनेक, जो कि पेशे से एक प्रोफेसर था, दिमाग की बीमारी एंकेफेलाइटिस से गुजर रहा था। सन 1921 तक आते आते बीमारी बिगड़ने से हालात इतने खराब हो गए कि पॉल कोमा में चला गया। अपने कोमा की पूरी एक साल की अवधि तक पॉल जेनेवा के एक हॉस्पिटल में रहा। एक साल की कोमा की लंबी नींद के बाद जब पॉल जागा तो उसने कुछ ऐसा कहा जिस पर यकीन करना मुश्किल था। पॉल ने बताया कि अपने कोमा की अवस्था में वह पूरी तरह से अपने होशोहवास में था, और इस दौरान उसने एक बेहद विचित्र अनुभव किया जो सच में हैरान करने वाला था। पॉल डिनेक ने जो अनुभव किया वो कुछ इस तरह था। बजाय कोमा में नींद लेने के, उसका अंतर्मन भविष्य के किसी दूसरे व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कर गया, जो कि सन 3906 के समय का एक भौतिक विज्ञानी एंड्रियस नॉर्थम था। समय के दोनों छोरों पर ही पॉल और एंड्रियस को बेहद अजीब अनुभव हुए। जिस वक्त पॉल कोमा में गया, ठीक उसी के समानांतर एंड्रियस का एक गंभीर दुर्घटना से पाला पड़ा, जिसमें उसने मौत को बेहद करीब से देखा। जब एंड्रियस को होश आया तो वह कुछ अलग ही भाषा बोल रहा था, जो उस वक्त के हिसाब से दुनिया में कहीं भी अस्तित्व में नहीं थी। सबसे अजीब बात तब हुई जब वह अपने परिवार के किसी भी सदस्य को पहचान नहीं पाया। इसके साथ ही अपनी लाख कोशिशों के बाद भी वह सो पाने में असमर्थ था, जिसकी वजह से वह एक लंबे समय तक जागा ही रहा। यानी पॉल के अंतर्मन ने एंड्रियस के अंतर्मन की जगह ले ली थी, जिसकी वजह से एंड्रियस सब कुछ भूल चुका था। सन 3906 में हो रहे एंड्रियस के अजीब व्यवहार से वहां के लोगों को पता चला कि एंड्रियस के शरीर में 21वीं सदी के किसी व्यक्ति का अंतर्मन निवास कर चुका है। तब उन्होंने एंड्रियस को बीते 2000 सालों में हुई सभी घटनाओं से परिचित कराने का फैसला किया। भविष्य के लोगों ने एंड्रियस को बताया कि कैसे पिछले 2000 सालों में धरती पर मानव की नई प्रजाति होमो एक्सीडेंटलिस अस्तित्व में आई। अपनी एक साल की लंबी नींद से जागने पर पॉल को अनुभव हुआ कि वह भविष्य के किसी व्यक्ति की जिंदगी जीकर आ रहा है, जिसको बताई गई सारी बातें उससे अब भी साफ साफ याद थी। पॉल ने ये बात सभी को बतानी चाहिए, लेकिन लोगों के विरोध और उसको पागल बताए जाने के डर से उसने ये राज फिर कभी किसी को नहीं बताया। लेकिन उसने अपने इस विचित्र अनुभव को धीरे धीरे अपनी डायरी में लिखना शुरू कर दिया। इसके बाद पॉल सामान्य जिंदगी जीने के लिए ग्रीस आ गया और वहीं के स्कूल में फ्रेंच और जर्मन सिखाने की नौकरी कर ली। पॉल के कई स्टूडेंट में से एक जॉर्ज पापा है, जिसको पॉल का व्यक्तित्व काफी दिलचस्प लगता था। साथ ही वह पॉल का सबसे चहीता स्टूडेंट था। कुछ वक्त बीतने पर दुर्भाग्य से पॉल की तबीयत फिर से बिगड़ने लगी। डॉक्टर की सलाह से उसने अच्छी जलवायु के लिए ग्रीस छोड़कर इटली जाने का फैसला किया। जाने से पहले उसने अपनी वो डायरी अपने सबसे चहेते स्टूडेंट जॉर्ज को सौंपी और कहा कि वह प्रैक्टिस के लिए इसमें लिखी जर्मन भाषा को ग्रीस में ट्रांसलेट करता रहे। पॉल ने इसके बाद ग्रीस छोड़ दिया और सन 1924 में पॉल की ट्यूबरक्लोसिस से मौत हो गई। लेकिन पॉल का स्टूडेंट जॉर्ज अब भी उसकी डायरी को ट्रांसलेट कर रहा था। पूरे 14 साल जॉर्ज ने पॉल की उस डायरी को ट्रांसलेट किया। शुरू में उसे लगा कि यह बस कोई सामान्य सी नावल है जिसकी कहानी थोड़ी अजीब है, पर समय के साथ जॉर्ज को समझ आ गया कि यह कोई कहानी की किताब या नावल नहीं, बल्कि उसके टीचर पॉल की पर्सनल डायरी है, जिसमें पॉल ने अपने
अजीब अनुभवों के बारे में लिखा था। जॉर्ज ने बाद में पॉल के इस अनुभव को एक किताब के रूप में पब्लिश कराया। पॉल ने अपनी समय यात्रा के दौरान जो भी देखा, सुना या महसूस किया, वो सब कुछ क्रॉनिकल्स ऑफ द फ्यूचर नामक एक किताब में लिखा हुआ है। लोगों ने किताब का विरोध करते हुए कहा कि ये बस कोई मन घड़ंत कहानी की किताब है जिसके आसपास एक दिलचस्प वाक्या बताकर उसे बेचा जा रहा है। लेकिन अगर ऐसा होता तो पॉल ने यह किताब खुद क्यों नहीं पब्लिश की, बल्कि पॉल ने तो इसे दुनिया के सामने लाने के लिए लिखा ही नहीं था। पॉल ने जो महसूस किया और जो उसे याद रहा, उसने वो सब अपनी उस डायरी में लिख दिया और बाद में उसी के एक शागिर्द ने उसे एक किताब के तौर पर जारी करवाया। पॉल को अपनी उस एक साल की समय यात्रा के दौरान जो बातें पता लगी, उनमें से कुछ मुख्य बातों को हम जानेंगे। हम देखेंगे कि पॉल ने आने वाले समय का राज अपनी उस डायरी में खोला है। सन 2000 से 2300 तक मानव जाति अब भी जनसंख्या, पर्यावरण, अमीरी गरीबी, बीमारियों और आपसी नफरत जैसी परेशानियों से जूझ रही होगी। आंतरिक और नैतिक विकास की बजाय लोग अब भी सांसारिक चीजों को पाने की होड़ में लगे होंगे। सन 2204 मानव मंगल ग्रह पर 2 करोड़ से ज्यादा लोगों के रहने लायक बस्ती बसा चुका होगा, लेकिन सन 2265 में आकर कुदरती आपदा के चलते इन बस्तियों में रहने वाले सभी लोग मारे जाएंगे और इंसान फिर कभी मंगल पर बस्ती बसाने के बारे में नहीं सोचेगा। सन 2396 सभी देशों की सहमति से पूरी दुनिया में केवल एक सरकार बनाई जाएगी जिसे ग्लोबल पार्लियामेंट कहा जाएगा, जिसकी बागडोर नेताओं और पूंजीपतियों के कंट्रोल में न होकर वैज्ञानिकों, तकनीकी विशेषज्ञों और मानवतावादी लोगों के हाथों में होगी। पूरी दुनिया से मुद्रा व्यवस्था यानी मनी सिस्टम खत्म हो जाएगा और लोगों का जीवन आसान होगा। और अब लोग अपना जीवन यापन करने के लिए केवल कुछ ही वक्त काम करेंगे, अपने जीवन में केवल कुछ ही साल। ग्लोबल पार्लियामेंट लोगों के हितों में छोटे देशों को आगे ले जाने और सभी के लिए एक अधिकार की व्यवस्था लागू करने पर जोर देगी, लेकिन अलग अलग देशों की सरकारें अपने फायदे के लिए ग्लोबल पार्लियामेंट का विरोध करेंगी। अधिकारों की ये लड़ाई अगली 5 सदी और चलेगी, लेकिन फिर सर्वाधिकारवाद लागू हो जाएगा जिसमें सभी को एक जैसे अधिकार होंगे। हालांकि तकनीकी तौर पर अब भी असामान्यता देखने को मिलेगी, लोग नैतिक तौर पर अब भी कमजोर और धीमे होंगे। दुनिया भर में यही हालात सन 3300 तक चलेंगे। सन 3300 से सन 4000 तक मानव जाति का स्वर्ण युग आ चुका होगा। मानव के लिए हर वस्तु मुफ्त में उपलब्ध होगी, जैसे कपड़ा, खाना, घर, परिवहन आदि। किसी की अपनी कोई निजी संपत्ति नहीं होगी, सब एक बराबर होंगे। लोग अपनी सफलता को महंगी चीजों और उच्च पदों से नहीं आंकेंगे, बल्कि मानवता, नैतिक मूल्यों और आध्यात्मिक ज्ञान को सबसे बढ़कर माना जाएगा। लोग अपने पूरे जीवन में केवल 2 ही साल काम करेंगे, वो भी 17 से 19 साल की उम्र में आकर। धरती की जनसंख्या 1 अरब से भी कम होगी। उच्च जीवन जीने के सभी साधन भारी मात्रा में सभी के पास होंगे। समाज को चलाने के लिए केवल कुछ ही कानून शेष रह जाएंगे। दुनिया में अपराध ना के बराबर होगा। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आने वाले वीडियोस आप लोग मिस ना करें। मैं हूं आपका दोस्त विशाल, फिर से मिलेंगे एक नए एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।